राजस्थान की खबरें अब सिर्फ देखिए ही नहीं पढ़िए भी हमारी वेबसाइट rajasthantak.com पर। अभी दो दिन पहले कांग्रेस पार्टी के महासचिव राजस्थान में आए थे। कल मैं जब गुजरात में पहुंचा वो जो गुजरात के पत्रकारों ने पूछा कि राजस्थान में आप जनाक्रोश यात्रा कर रहे हैं और राजस्थान में कांग्रेस के महासचिव ने दोनों पर नेताओं को जो पिछले 4 साल से झगड़ रहे वो झगड़े के कारण से राजस्थान की जनता पिस रही है, उन लोगों के बीच में शांति समझौता करा दिया, वो सब एक हो गए। और एक फोटो देश भर के मीडिया में छपाया जा रहा है। मैंने कहा कि इससे पहले भी ऐसा फोटो छपा था। जब पहली बार फोटो छपा तब नकारा और निकम्मा निकला, दूसरी बार फोटो छपा उसके बाद में गद्दार निकला, अब तीसरी बार फोटो छपा है, अब की बार क्या निकलने वाला है ये राजस्थान की जनता तय करने वाली। मित्रों, जिस तरह की परिस्थितियां और हालात राजस्थान में बने, हम सामाजिक क्षेत्र राजनीतिक क्षेत्र के कार्यकर्ता हैं, हम आज विपक्ष में बैठे, ये हम सब कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है, राजस्थान प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के 1 करोड़ सदस्यों की जिम्मेदारी है कि इस निकम्मी नाकारा सरकार को, ये सरकार जो गद्दार सरकार है राजस्थान की जनता के साथ में, जिसने गद्दारी की है, वादा खिलाफी की है, उस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए अब हम अपना तन मन समर्पित करें, हम अपना सर्वस्व समर्पित करके केवल और केवल एक लक्ष्य कि राजस्थान को इस कुराज से मुक्ति दिलाने के लिए, राजस्थान को इस कुशासन से मुक्ति दिलाने के लिए, राजस्थान को इस आतताई सरकार से मुक्ति दिलाने के लिए, राजस्थान को इस भ्रष्टाचारी सरकार से मुक्ति मिल दिलाने के लिए अब हम पूरे प्राण और प्रण की ऊर्जा के साथ में ये जो जनाक्रोश यात्रा माननीय प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया जी के नेतृत्व में हो रही है, हम सब कार्यकर्ता जुटे, हम एक होकर के जुटे, एक राय होकर के जुटे, एक मन होकर के जुटे, संकल्प के साथ में जुटे और राजस्थान भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक मुखी होकर के ये जो फोटो अभी छपा है इसका जवाब दे और एकता का परिचय दे कि हम किस तरह से एक होकर के राजस्थान के इस कुशासन को उखाड़ फेंकने के लिए एक साथ खड़े हुए। 200 के 200 विधानसभाओं में ये रच जाएंगे और 200 के 200 विधानसभाओं में हजारों की संख्या में चौपाले आयोजित होने वाले। आदरणीय अरुण सिंह जी अभी पत्रकार वार्ता में कह रहे थे, मैं सुबह सुन रहा था कि उन्होंने कहा कि 1000 चौपाले महिलाओं की होगी, 1000 चौपाले युवाओं की होगी, 1000 चौपाले ओबीसी की, किसानों की, SC ST की, जो सभी लोग पीड़ित हैं उन सब वर्गों की 1000 चौपाले करेंगे। राजस्थान में 10000 चौपाले आयोजित होने वाली है। राजस्थान के गांव गांव में, राजस्थान के हर एक शहर में, हर एक कस्बे में, हर एक नगर में, हर एक वार्ड में, हर एक घर तक, हर एक ढाणी तक हमारे हमारे जो है कार्यकर्ता जाने वाले हैं और एक आक्रोश जो है राजस्थान में खड़ा करने वाले हैं और उस आक्रोश का सूत्रपात करने के लिए आज आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हम सबके बीच में आए हैं।